समोसे की दुकान चलाने वाला अजैन व्यक्ति शासन सुभट। जी हाँ, सही सुना आपने। जहाँ कई लोगों को जिन शासन के बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने के बाद शासन सुभट या शासन प्रेमी का ये टाइटल दिया जाता है, वही आज हम एक ऐसे शासन सुभट व्यक्ति की जो जन्म से जैन नहीं है, समोसे की दुकान चलाते हैं, उनके जीवन में घटी हुई एक घटना जानेंगे, जिसे जानने के बाद शायद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम शासन को क्या दे पा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। ये जानकारी हमने ली है केसरियो रंग जिन शासन नो आप जो पुस्तक से, जिसके लेखक है परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी मार्च से। 15 साल की उम्र में वीरेंद्र भाई को बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया था। उस समय ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने अपने रोग को मिटाने के लिए रोजाना 2 से 2.5 घंटे योगा एवं प्राणायाम करना शुरू किया, जिससे उनका रोग कुछ ही समय में मिट गया। उसके बाद से वीरेंद्र भाई योगा मास्टर बन गए। उन्होंने हर रोज सुबह 9 बजे तक सभी को योगा सिखाने का कार्य शुरू किया, जिससे उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी हो सके। उन्होंने कई जैन गृहस्थों को एवं जैन साधु साध्वी जी भगवंतों को भी योगा सिखाया है और एक्यूप्रेशर टेक्निक द्वारा कई गुरु भगवंतों की अद्भुत सेवा भी की है। आर्थिक स्थिति सही न होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी गुरु भगवंतों के उपचार के निमित्त से कोई कीमत नहीं ली है, 1 रुपया भी नहीं। 35 से 40 वर्ष की उम्र में वे समोसे की दुकान चलाते थे। लगभग 3 से 4 साल पहले वीरेंद्र भाई की माता जी को ब्रेन रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हुई। डॉक्टर्स ने वीरेंद्र भाई को कह दिया था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना आपकी माता जी की जान हम नहीं बचा पाएंगे। उस ऑपरेशन का खर्च लगभग 8 से 10 लाख रुपए था। समोसे की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र भाई इतने पैसे कहाँ से लाते, वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने खुद के परिचित परम पूज्य मुनिराज श्री भुवन भूषण विजय जी महाराज साहब से बात की। मुनिराज ने वीरेंद्र भाई द्वारा की हुई अद्भुत साधु साध्वी जी भगवंतों की भक्ति को ध्यान में रखकर प्रेरणा करके कुछ जैन श्रावकों द्वारा वीरेंद्र भाई को 8 से 10 लाख रुपए की सहायता करवाई, जिससे उनकी माता जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और उनकी जान बच गई। कुछ साल के बाद एक दिन वीरेंद्र भाई ने गुरु भगवंत को संपर्क किया और कहा कि महाराज साहब, मैंने पिछले कुछ सालों में मेरी कमाई से बचत करके लगभग 1 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। मुझे पता है कि आपके उपकार का बदला मैं 1 लाख तो क्या 10 लाख देकर भी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि जब मुझे अत्यंत जरूरत थी तब आपने मेरी सहायता की थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी आत्मा के संतोष के लिए ये 1 लाख रुपए जिन शासन के कार्यों में लगाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कुछ साधु साध्वी जी भगवंतों के सांसारिक परिवार जिनको आर्थिक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आप श्रावकों को प्रेरणा करके उनकी भक्ति करने के लिए कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। आप इन पैसों का उपयोग भी उसी में कर लीजिएगा प्लीज। गुरु भगवंत ने वीरेंद्र भाई से कहा, वीरेंद्र भाई, आपकी आर्थिक स्थिति अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। आपकी समोसे की दुकान है वो हमारे ध्यान में है। आपके घर पर माता पिता, गर्भवती श्राविका और 2 बेटियां हैं। घर में नए बालक का जन्म होने वाला है और ऐसे में आपको धन की आवश्यकता तो होगी ही। वीरेंद्र भाई ने बहुत ही विनयपूर्वक एवं खुमारी भरा उत्तर महाराज साहेब को दिया कि महाराज साहेब, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, आप मना मत करना, और अगर आप मना करेंगे तो भी ये रकम किसके माध्यम से पहुंचाना है वो मुझे पता है और मैं पहुंचा दूंगा। मैं अपने भविष्य का ज़्यादा विचार करके अपने वर्तमान के कर्तव्य को नहीं भूलना चाहता। सोचने जैसी बात यह है कि कोई जैन अरबपति हो और वो अरबों रुपयों में से करोड़ों रुपये शासन के कार्यों में खर्च कर दे, तो वो एक एंगल से देखे तो आसान है। उसमें उस व्यक्ति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसे कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ऊपर से दानेश्वरी, दानवीर आदि मिलने वाले बिरुद यानी कि टाइटल्स अलग से, और तिलक, शॉल, श्रीफल से संघ के समक्ष बहुमान भी अलग। लेकिन एक सामान्य जन्म से जैन नहीं, ऐसे जैनेतर समोसे की दुकान चलाने वाले व्यक्ति जिनकी धन शक्ति कम है, ऐसा कह सकते कि बहुत कम है, वो अगर शासन के कार्य के लिए, साधु साध्वी जी भगवंत की भक्ति के लिए इस तरह 1 लाख रुपये का बलिदान दे सकते हैं, तो क्या उन्हें शासन सुभट बोलना गलत होगा? शायद नहीं। माता की जान बचाने के लिए जिन शासन के गुरु भगवंत द्वारा आर्थिक सहायता के उपकार का बदला इस तरह से अगर वीरेंद्र भाई चुका सकते हैं, तो हम पर तो जिन शासन ने, तीर्थंकर परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार किया है। हमें आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग दिया है, अहिंसा एवं अनेकांतवाद का वरदान दिया है, मोक्ष का रास्ता दिखाया है। तो हम इस उपकार का बदला चुकाने के लिए जिन शासन के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, वो सोचने वाली बात है। जिन शासन के वीर शासन सुभट वीरेंद्र भाई की हम अंतर मन से खूब खूब अनुमोदना करते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।